कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति को अलविदा कह दिया है। रायबरेली की जनता के नाम वसीयत नुमा लिखे एक पत्र में सोनिया गांधी ने अपील की है कि जैसे अब तक वे लोग उनके परिवार और उनका सपोर्ट करने आए हैं, भविष्य में भी परिवार का उतना ही ख्याल रखेंगे। उम्मीदों भरी ये अपील सोनिया गांधी ने अब तक बतौर कांग्रेस उम्मीदवार वोट देते आ रहे लोगों से की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवारवाद की राजनीति को लेकर ही बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व पर हमलावर रही है। सोनिया गांधी ने उसी परिवार की दुहाई देते हुए रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भविष्य में भी वो परिवार का सपोर्ट करते रहें। सोनिया गांधी के इमोशनल लेटर से एक बात तो साफ है कि वो अपनी विरासत कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए ही छोड़ रही है। कांग्रेस की विरासत संभालने की जिम्मेदारी तो सोनिया गांधी पहले ही राहुल गांधी को सौंप चुकी है, लेकिन रायबरेली किसके नाम करना चाहती है अभी सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया है। जिस तरह सोनिया गांधी ने खास तौर से परिवार को चुनावी राजनीति में प्रोजेक्ट किया है, साफ है कि कांग्रेस अब बीजेपी के परिवारवाद के हमलों से खुद को उबार चुकी है। राहुल गांधी तो देश से बाहर भी भारत में परिवारवाद की राजनीति को हकीकत से जोड़कर पेश कर चुके हैं, लेकिन जब वही राहुल गांधी तेलंगाना जाकर बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव को परिवारवाद की राजनीति के नाम पर घेरते हैं तो हिपोक्रेसी के अलावा कोई और भाव मन में नहीं आता। सोनिया गांधी ने अपनी सेहत और बढ़ती उम्र को अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाने की सबसे बड़ी वजह बताई है और सोनिया गांधी ने कहा है, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। जल्द ही मुलाकात होने के वादे के साथ सोनिया गांधी लिखती हैं, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये नह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य में मिला है। सौभाग्य यानी शगुन और परिवार, ये ऐसी बातें हैं जो लोगों को बरबस ही जोड़ देती हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तब वो देश से बाहर थी। आते ही मालूम हुआ कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रियंका गांधी गाड़ी में बिठा कर पति रॉबर्ट वाड्रा को खुद ईडी दफ्तर छोड़ने गई और फिर कांग्रेस दफ्तर पहुँच कर कामकाज संभाला। मीडिया के सवाल पर तब प्रियंका गांधी ने बस इतना ही कहा था, मैं परिवार के साथ हूँ, काफी था। बाद में सोनिया गांधी को भी वैसे ही प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए छोड़ने गई थी। सोनिया गांधी परिवार के उसी भाव के साथ बीजेपी या दूसरे राजनीतिक विरोधियों के परिवारवाद की पॉलिटिक्स के नाम पर हमले को काउंटर करने की कोशिश करती रही है। 2019 में ही सोनिया गांधी ने संकेत दिया था कि वो आखिर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। हो सकता है तभी वो लोकसभा के जगह राज्यसभा का रुख कर ली होती, बशर्ते उनको पक्का यकीन होता कि राहुल गांधी सब संभाल लेंगे। 2019 का चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ रही थी। चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।